गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में हमने जर्नल एंट्रीज सॉल्व करना सीख लिया था और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से वो कर लिया था। तो आज आइए हम एक टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमको जर्नल एंट्री सॉल्व करना आ गया। तो ये क्वेश्चन है, इसकी जर्नल एंट्रीज आप बनाइएगा, ठीक है, और मैं जो वीडियोज में बता रहा हूँ आप उनसे मिला के चेक करिएगा कि क्या आपकी एंट्रीज ठीक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर में हम वो रूल्स देख लें, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, किसी का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, किसी आदमी का नाम, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कोई भी किसी का नाम हुआ तो या तो वो देने वाला होगा या वो पाने वाला होगा। रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड, या तो एसेट्स आएगी बिजनेस में या बिजनेस से जाएगी, रूल डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। थर्ड नॉमिनल अकाउंट, सभी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो डेबिट होंगे और इनकम्स क्रेडिट होंगी। आइए क्वेश्चन देखें, एक एक एंट्री को चेक करते हैं। भानु कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, इसमें दो आइटम्स हैं, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। मान लीजिए हम कैश को ही देखें, कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बिजनेस में आएंगे जाएंगे, तो पैसे बिजनेस में आएंगे, ठीक है। तो जो चीज आती है उसे क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा आइटम क्या था, कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने देख ली, ठीक है। सेकंड एंट्री चेक करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, उसने क्रेडिट कह भी दिया है, अगर वो क्रेडिट ना भी कहता और एंट्री होती परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तब भी ये क्रेडिट की ही ट्रांजेक्शन होती, उधार की ट्रांजेक्शन है, तो इसका मतलब इसमें कैश वर्ड नहीं है। इसमें दो आइटम्स आपको केवल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक तो है गुड्स और दूसरा है रमेश, ठीक है। तो मान लीजिए हम रमेश को देखें, रमेश को आसानी से पहचान लेंगे, किसी का नाम है, और किसी का नाम होता है तो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी है देखिए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, रमेश से हमने गुड्स परचेज किया है, तो रमेश हमको देने वाला है या वो हमसे पाने वाला है, पैसे तो है नहीं इसमें, तो केवल गुड्स है, तो गुड्स को हम देखें तो गुड्स उसने हमें दिया है, हमने उसे गुड्स दिया, उसने हमको दिया, रमेश इज द गिवर, ठीक है। तो रमेश रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो टू तो हो जाएगा रमेश, और दूसरा आइटम क्या था, गुड्स, तो गुड्स हो जाएगा डेबिट, यानी गुड्स को हम डिनोट करेंगे परचेज से, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 40,000 से। तो सेकंड एंट्री भी आपको क्लियर हो गई है। थर्ड एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब देखिए यहाँ पे किसी का नाम नहीं है लेकिन कैश वर्ड है, तो कैश की ट्रांजेक्शन हुई, इसमें दो आइटम्स हैं, एक तो गुड्स दूसरा कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, हमें किसी एक को पहचान लेना है जिसको हम इजीली पहचान सकते हैं, तो उसको पता कर लो, या तो वो डेबिट है या क्रेडिट, तो अगर वो डेबिट है तो दूसरा आइटम क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है, और अगर वो क्रेडिट है तो दूसरा आइटम डेबिट होगा, तो हमारा काम है किसी एक को पहचान लेना। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी देखिए, हमने गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड सेल किया है कैश के बदले में, तो कैश आएगा या जाएगा, तो कैश हमारे पास आएगा, ठीक है, और जो चीज आती है रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो डेबिट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, की जगह पर हम सेल है तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए कितना आसान है, थर्ड एंट्री भी आपकी हो गई। नेक्स्ट है देखिए, आपको दिखाई दे रहा है पेड सैलरी, इसमें दो आइटम है, सैलरी पे की, तो बदले में क्या दिया होगा, कैश, और दूसरा सैलरी, चलिए हम इस बार सैलरी को देख लेते हैं, आपने सैलरी पे की तो क्या हुआ, ये खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर है हमारा, नाम तो है नहीं किसी का,
सैलरी एसेट भी नहीं है तो पे की है, तो ये क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंडिचर क्या होंगे? डेबिट। आपने सैलरी दी है तो एक्सपेंडिचर है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए सिंपल आसान सा है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश परचेज फॉर फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपने फर्नीचर परचेज किया कैश में, यानी फर्नीचर लिया और बदले में पैसे दिए, नाम तो किसी का है नहीं तो क्रेडिट पे नहीं है, इट मीन्स ये कैश की ट्रांजेक्शन है। तो आपने एंट्री पास की, इसमें दो आइटम फर्नीचर और कैश, किसको देखेंगे? मान लो कैश को ही देख लो या फर्नीचर हो, इस बार चलो फर्नीचर को देख लेते हैं। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें हम दोनों को ही दिखा देते हैं आपको। चलो तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा, तो जो चीज आती है उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री हुई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, दूसरा आइटम क्या है? कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गई। अभी इसी एंट्री में मान लीजिए हम कैश देखते, कैश कौन सा अकाउंट है? वो भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हम कैश को देख रहे हैं, कैश आएगा या जाएगा जब फर्नीचर परचेज करेंगे? कैश जाएगा, और जाने वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट। तो देखिए हमने एंट्री में अपने आप ही उसको क्या किया है? क्रेडिट किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक रूल ठीक सेट हो जाए तो दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी एंट्री क्या हुई थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी नॉलेज भी चेक कर ली, और मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज करना आ गया है, कुछ हद तक आ गया है, ठीक है? कुछ से मतलब सॉरी, काफी हद तक आ गया है। तो जो कुछ और चेंजेस हैं जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज आपने एंट्रीज ये वाली कर ली है, ओके? बाकी का काम हम अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।